असल एर्थ क्लास दिस इज योर बायोलॉजी लेक्चर नंबर ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स आवर टॉपिक इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी जैसे कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बायो टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स देखी हैं uh, हमने बायो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स देखे हैं आज हम देखेंगे कि बायो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशनस क्या है मतलब कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होती है देर आर फोर मेजर एरियाज जहाँ पे हम कह सकते हैं कि बायो टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स अप्लाई होती हैं इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन हेल्थ एंड एन्वायरमेंट हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलोजी का एग्रीकल्चर में क्या रोल है फूड को प्रोड्यूस करने में और फूड को प्रिजर्व यानी कि महफूज करने में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है हेल्थ में इसका क्या रोल है और इन्वायरमेंट में ये किस तरह से रोल प्ले कर रही है आज जो हम uh, इसका पहला एरिया डिस्कस करेंगे वो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर हम जरात को कहते हैं यानी कि हमारी जो फसलें क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन में उनकी बेहतरी के लिए उनसे जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रही हैं उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इसमें हम ये कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशनरी रोल प्ले किया है इसने इन ये इनकलाब लेके आई है इसने चेंज किया है किस चीज़ को चेंज किया है इसने इम्प्रूव किया है बेहतरी लेके आई है बायोटेक्नोलॉजी किसमें एग्रीकल्चर में, में. मत, मतलब कि हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी क्रॉप्स जो है वो हाई ईड प्रोड्यूस करेंगी और इसके अलावा जो है वो क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी कैटेगरी की होंगी ठीक है अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशनरी रो, रोल प्ले किया है इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ द हाई ईल्ड्स ऑफ क्रॉप्स हाई यील्ड का मतलब है कि जो क्रॉप से हमें जो चीजें मिल रही हैं जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं जो उसके रिजल्ट में हमारे पास चीजें आ रही हैं उसकी प्रोडक्शन को हाई करवाया है बायोटेक्नोलॉजी ने नेक्स्ट इज हर्बी साइड्स हर्बी साइड्स में कहते हैं वीड किलिंग केमिकल्स ठीक है अगर क्रॉप्स में कोई एक्स्ट्रा जैसे घास वगैरह उग जाती है जो कि हमारी जरूरत की नहीं है तो उसको किल करने के लिए हम हर्बी साइड्स को यूज करते हैं ठीक है वीट किलिंग केमिकल्स सेकेंड थिंग इज द पेस्टिसाइड्स पेस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट्स यानी कि जो कीड़े वगैरह होते हैं वो अगर आपकी फसलों पे आके अटैक कर रहे हैं तो उनको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ठीक है इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स होते हैं स्प्रेज वगैरह किए जाते हैं तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की ही एक जो है वो प्रोडक्ट uh, है बायोटेक्नोलॉजी ने हमें हर्बिसाइड्स प्रोवाइड किए हैं हमें पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड किए हैं हर्बीसाइड से हम जो एक्स्ट्रा वीड्स ग्रो कर जाते हैं क्रॉप्स के अंदर जो कि हमारे लिए अननेसेसरी है हमें उसकी जरूरत नहीं है तो उसको किल करता है हर्बिसाइड्स और अगर कोई आपको जैसे कि आपने सुना होगा कि फसलों पे जो है वो कीड़ों का जो है वो अटैक हो जाना कीड़े लग जाना तो उसको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ठीक है हम हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज तो करते हैं बट दे ऑल्सो काज अ डैमेज टू द योर क्रॉप्स तो ये हमारी क्रॉप्स को भी डैमेज करती हैं किल तो करती हैं ये वीट को और इंसेक्ट्स को लेकिन आपकी क्रॉप्स को भी डैमेज करती हैं अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने फिर इसके लिए क्या सोल्यूशन जो है वो सोचा इसका क्या सोल्यूशन था नेक्स्ट इज साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया दे इंसर्ट द वीड रेजिस्टेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स इन टू द प्लांट्स साइंटिस्ट uh, ने क्या किया कि वीट को जो रजिस्ट करती है मजामत करती है और पेस्ट की प्रोडक्ट जो है उनको रजिस्ट करती है ऐसी जीन्स जो हैं वो इंसर्ट करवाएं किसमें प्लांट्स में क्रॉप्स में फसलों में ऐसी जीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दी और आपको पता है जीन्स क्या होती हैं जिनमें सारी इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अब जब प्लांट्स में जीन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो वो प्लांट्स अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हो गए ओके अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे जो हार्मफुल होंगी बीड्स के लिए और पेस्ट के लिए जो घास पोस उग जाती है या जो हम कहते हैं कीड़े वगैरह आके फसलों पे लग जाते हैं तो उनके लिए हार्मफुल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स नेक्स्ट इज द कल्टिवेशन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स हम अगर ऐसी क्रॉप्स uh, कल्टीवेट करते हैं प्रोड्यूस करवाते हैं तो उनकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है अच्छी होती है एंड विच इज ऑल्सो सेफ फॉर द ह्यूमन यूज और इंसान अगर उसको यूज़ भी कर रहे हैं जाहिर है हम तो अपनी फूड वहां से लेते हैं तो हम उसको यूज करें तो वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ होगी ठीक है आ, पहले तो हम बात कर रहे थे कि उन हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से क्रॉप्स डैमेज हो रही थी फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा उन्होंने ऐसी जीन्स प्लांट्स के अंदर एंटर करवा दी जो वीड रेजिस्टेंट है और जो पेस्ट रेजिस्टेंट है तो वो प्लांट्स ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं कि ना वीड्स उसको हार्म पहुँचा सके और ना ही पेस्ट उसको हार्म पहुँचा सके तो इस तरह से हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी क्वालिटी बेहतर होगी और सेफ फॉर ह्यूमन यूज और, और इंसानों के लिए जो है वो बिल्कुल अब सेफ फॉर्म में है देर आर द मेजर क्रॉप्स दैट पे आपको कुछ क्रॉप दिखाई जा रही हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मॉडिफाई किया गया है उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आए हैं दीज आर द मेज वीट राइस क्रॉप कैनोला पोटैटो सोयाबीन जिसको सोयाबीन भी कहते हैं और कॉटन ये साड़ी की साड़ी क्रॉप्स गंदम की चावल की पोटैटोस की सोयाबीन्स जो होते हैं ये पीस फैमिली में से आ जाता है कॉटन बनाने के लिए कॉर्न मकई बनाने के लिए तो इन सब के लिए जो है ये साड़ी की साड़ी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें बायोटेक्नोलॉजी ने रोल प्ले की है और इन क्रॉप्स को ह्यूमन के यूज के लिए सेव की है बायसिंग द बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक सच एस द जेनेटिक इंजीनियरिंग अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस देखते हैं जिनका क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे बुरा इफेक्ट हो रहा है बुरा असर हो रहा है अब वो कंडीशंस ड्रॉट है ठीक है और एक्सेसिव साल्ट या तो फसलों में साल्ट की ज्यादती हो जाती है एक्सेसिव सॉल्ट वहां पे मौजूद होते हैं या ड्रॉट फसलों को जो है वो इसको हम खुश्क साली भी कह सकते हैं या ज्यादा लंबा अड़सा हो गया बारिश बारिश नहीं हुई तो पानी की कमी की वजह से जिसको है खुश्क साली कहते हैं ड्रॉट ये दो ऐसी कंडीशन हैं एक्सेसिव सॉल्ट का होना और ड्रॉट कंडीशन का होना तो ये क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे बुरा जो है वो इफेक्ट करती है हार्मफुल इफेक्ट है इसका क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे अब हम देखते हैं के यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं विच यू नीड टू नो ये आपकी बुक पेज नंबर थर्टी नाइन पे uh, नीचे पैराग्राफ में लिखे हुए हैं इन द पुअर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया साउथ एशिया की पुअर कंट्रीज में uh, जो वेयर द राइस इज़ द मेन फूड जहाँ पे उसके मोस्टली जो है वो रूरल पॉपुलेशन मतलब जो देहाती लोग होते हैं वहां पे मोस्टली वो लोग जो हैं वो डिपेंड करते हैं राइस पे ठीक है राइस इज द मेन फूड ऑफ द रूलर पॉपुलेशन ठीक है तो मोस्टली देहाती लोग जो है वो राइस पर डिपेंड करते हैं एंड द डेफिशंसी ऑफ वाइटामिन इज़ द कॉमन प्रॉब्लम विच में लीड टू अर्ली ब्लाइंडनेस एंड वीक इम्यून सिस्टम हाँ जी अगर इसमें वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मोस्टली पीपल अब डिपेंड ही राइस पे कर रहे हैं और अगर उसमें से वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें अर्ली ब्लाइंडनेस यानी कि नज़र ना आना बिल्कुल नजर आना बंद हो जाता है इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है कुत मुदाफत हमारी कमज़ोर हो जाती है इजिली हमारी बॉडी पे बैक्टेरिया वायरस अटैक कर सकते हैं तो ये सब कुछ होता है वाइटामिन ए की कमी से ठीक है उसकी डेफिशियंसी से होता है तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया दे साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर द जीन्स ऑफ वाइटामिन ए साइंटिस्ट ने वाइटामिन ए की जीन्स को आ, उसमें राइस में जो है वो इंसर्ट करवाया उसमें एंटर करवाया ठीक है फ्रॉम अदर स्पीशीज इन टू द राइस वाइटामिन ए के सोर्सेज डिफरेंट हम कह सकते हैं कैरिट हो सकती है ठीक है और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वाइटामिन ए प्रेजेंट होते हैं तो हम वाइटामिन ए की जीन्स को एंटर करवा देंगे राइस में और उसके बाद आपको पता है कि वैरायटी ऑफ रिच राइस हमारे पास आ जाएंगे हमारे पास उसकी पूरी कलोनी आ जाएगी पूरा कल्चर आ जाएगा जिसमें ज्यादा से ज़्यादा वाइटामिन प्रेजेंट होगा ओके दीज आर एक्चुअली द जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस प्रोड्यूस बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस होते हैं जिनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को यूज करते हुए बनाते हैं uh, यानी कि साउथ uh, एशिया की पुअर कंट्रीज में जो देहाती लोग हैं वो राइस पे मोस्टली डिपेंड करते हैं तो उसमें वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से नजर आना बंद हो जाता है ब्लाइंडनेस हो जाती है और इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक वीक हो जाता है तो साइंटिस्ट ने क्या किया वाइटामिन ए को लिया उसकी जीन्स को इंसर्ट करवाया राइस के अंदर ठीक है मतलब कि क्रॉप्स जो राइस की क्रॉप्स होती हैं उसमें इंसर्ट करवाया और उसके बाद हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छी क्वालिटी के राइस आ गए जिनमें जो है वो वाइटामिन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस भी कहते हैं अनदर पॉइंट इज पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन सम यूनिवर्सिटीज आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस वीट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि वो ट्राई कर रहे हैं वीट की प्रोडक्शन हैविंग द हायर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन इन द फ्लोर के जो आटा होता है उसमें आयरन का कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए तो साइंटिस्ट इस चीज़ पे अभी काम कर रहे हैं ताकि जो आप फूड uh, ले रहे हो उसमें आयरन की डेफिशियंसी ना हो ठीक है तो इस तरह से आपको पता है कि आयरन की डेफिशेंसी एक बेसिक इश्यू बन चुका हुआ है तो पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये काम हो रहा है कि हम जो फ्लोर प्रोडक्शन है जो वीट प्रोडक्शन है यानी कि जो आटा बनता है उसमें आयरन का कंपोनेंट ज्यादा हो क्योंकि आपको पता है आयरन जो है वो हमारी हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट है हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है और इसमें आपकी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको सर्कुलेट करवाना होता है लंग से लेके मेन पार्ट्स ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी तो यहाँ पे हमने ओवरऑल व्यू देखा कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रही है आज जो हमने डिस्कस किया वो एग्रीकल्चर की फील्ड में है हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एग्रीकल्चर में फसलों की जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास ज़्यादा आ जाती है हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ऐसे स्प्रेज हैं जो कि वीड और इंसेक्ट्स को किल करते हैं क्रॉप्स में से तो साइंटिस्ट ने इनके रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं वो प्लांट्स में एंटर करवा दी और हमारे पास जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आए हैं वो ऐसी प्रोटीन्स बना रहे हैं जो कि हार्मफुल हैं वीड्स के लिए भी और पेस्ट के लिए भी तो इस तरह हमारे पास जो क्रॉप्स आई उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और वो ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ हो गए यहाँ पे हमने कुछ मेजर क्रॉप्स डिस्कस की हैं जो कि जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए मॉडिफिकेशनस की गई हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू और यहाँ पर कुछ क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले पॉइंट्स हमने देखे हैं ठीक है और यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हम कैसे जो हैं वो गोल्डन राइस को प्रोड्यूस करवाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस और कैसे जो है वो वीट में आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसको कम करने पे काम हो रहा है